तेरा बंदा गाना डाला था 2000 2000, माँ की कसम बोल रहा हूँ ब्रो, 2022 में मेरा बर्थडे में क्या हुआ मेरे को कुछ याद ही नहीं है। उसका बर्थडे में क्या किया क्या नहीं मेरे को सब याद, समझ रहे हो। तेरा बंदा बहुत प्यारा गाना है। तेरा बंदा का मैंने ना 1 मिनट वीडियो निकाला था इंस्टाग्राम पे पहले 2020 में, उसको किंग ने भी लाइक किया था। मैंने वो पोस्ट तो अभी वो कर दिया, वो पोस्ट मैंने अर्काइव कर दिया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको देखता हूँ एंड फिर लाइक्स में जाता हूँ एंड वहाँ पे वेरीफाइड आई फील किंग का लाइक होता है। आज से 2 साल पहले, यू नो, इसका मतलब हम 2 साल पहले जब यूट्यूब पे सही से गाने भी नहीं डाले थे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, तभी भी किंग जैसे आर्टिस्ट को पता था कि MC Insane अच्छा कर रहा है, भले लोग इसको कुछ भी बोले बट ये लड़का अच्छा कर रहा है। तो ह्यूज रिस्पेक्ट किंग भाई को, भाई नहीं भैया, एज में बड़े हैं, एंड मूफाड बिग ब्रो को, क्योंकि उस टाइम पे जब किसी आर्टिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया था ना ब्रो, तब मूफाड भाई ने कम से कम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई किया था एंड मेरे को बोला था, मोटिवेट किया था कि मतलब अब क्या बोलूँ, सबकी तरह मैंने भी वही किया था, अपना गाना का लिंक भेजा था एंड बोला था प्लीज़ ब्रो इफ़ यू सपोर्ट अस सपोर्ट नोटिस देन प्लीज़ इसको शेयर करो। देन मुफाट भाई ने एक ही बात बोली थी कि जब आप ऐसा गाना बनाओगे ना, जब आप लोगों के लिए गाना बनाओगे ना, तब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे को अप्रोच नहीं करोगे, वो लोगों तक खुद पहुँचेगी। तो शाउट आउट टू मुफाट भाई, आई लव यू सो मच। आपकी वो बातें मैंने आज तक लाइक दिल पे रखी हैं, कुछ बातें मैंने दिल पे रखी है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ। मुफाट एक बहुत सही बंदा है, उन्होंने मेरे को उस दिन बहुत मोटिवेट किया। उस टाइम पे ब्रो 2018-19 कोई कोई मेरे फॉलोअर्स ही नहीं थे, कुछ नहीं थे ब्रो, तो मुफाट भाई ने, क्योंकि वो जो एक टाइम होता है ना एकदम वैसा वाला टाइम, उस टाइम पे सपोर्ट किया था, तो थैंक यू सो मच। सपोर्ट मतलब उनके वर्ड्स ही काफ़ी थे उस सपोर्ट के लिए, कि लाइक ऐसे ऐसा ऐसा गाना बनाओ जो नेशन के लिए हो, लोगों के लिए हो, एंड थैंक यू सो मच। एंड अगेन किंग किंग बिग ब्रो, जिन्होंने मेरे एक 1 मिनट वाले वीडियो को लाइक किया था एंड इतना मोटिवेट हो गया था मैं उस वक्त की समवन जो MTV हसल से बाहर आया अभी एंड मतलब शो हाँ MTV शो के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने ट्रैक्स पे ट्रैक्स डाले। ही वॉज अ बूम आर्टिस्ट, उनको शायद ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे मेरे जैसे जिसके 200-300 व्यू आ रहे हैं उनको करने, बट एटलीस्ट ही लाइक दैट शेड एंड उनको। फिर मैंने तेरा बंदा का एक एक बहुत ही अच्छा वर्जन बनाया